everyone, welcome back to my channel. Here I am with my special video behind the scenes of my dance video जो मैंने recently ही इसको post किया है and in this video you are gonna see everything what's our location, our fun moments. Really want to show you guys के कितनी मेहनत लगती है एक डांस वीडियो को शूट करने में. तो फॉर दिस वीडियो डांस वीडियो है वो 2 मिनट की है. ये हमने इसको 3 डेज में डिवाइड किया है एंड मैंने ना ये स्केड्यूल भी किया हुआ है पूरा. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द डे 1 और नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी 8 सेकंड शॉट एंड सो जो 8 सेकंड के शॉट के लिए मैं इतना तैयार हुई हूँ मेरी पूरा आउटफिट ये रहा. तो नाउ आई एम गोइंग टू सेट अप माई लोकेशन. Start to 1, 2, 3 start. कितने छोड़ रहे हो? इसमें कितने छोड़ सकते हो? ठीक चल. तो रिकॉर्ड कर. 1, 2, 3 start. और अब मुझे कुछ कुछ शॉट्स लेने हैं तो मुझे अपने हाथों पे वो लाल लाल मेहंदी लगानी है. इधर आने के पास में होगी तो मैंने अपनी लाल मेहंदी लगा ली है और पास में तो ये दूर करेगी ये हाथों पे उनका फ्लेम से बाहर निकल जाएगा. तो सही है. हाथ लगा हाथ लगा. तो मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स शॉट कर ली है. अब नेक्स्ट जो बारी है वो है मेरे डांस की. वो हम ऊपर करेंगे. तो मेरा कैमरा मैन है जो अभी तक मेरा सपोर्ट कर रहा है वो मेरी सुरभि दीदी हैं और स्वाति दीदी भी हैं इधर. डायरेक्शन दे रही हूँ. डायरेक्शन हाँ वो बोल रही है. डायरेक्शन दे रही हूँ. आजा मैं अलग बिहाइंड द सीन बता रही हूँ. चलो आ जाओ. किस किस को आना है गाइज इसकी वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि ये मेरे से ज्यादा मेहनत करवा रही है. इसलिए जब मैं बोल दूंगी तब स्टार्ट करना. माई डे 1 इज एंडिंग हियर और 3:30 पे हमने अपना शूट स्टार्ट किया था और अभी 6:30 हो रहे हैं एंड इट्स लाइक 3 घंटे में हमने सिर्फ 40 सेकेंड का हमने शूट किया है एंड एज यू कैन सी कि मेरे को कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है. और अभी डे 1 हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ. अब मैं अभी फिलहाल के लिए घर के कपड़ों में ही हूँ. तो फिर हमने कल शूट कर लिया था 40 सेकंड्स का और आज हम शूट करेंगे लगभग 1 मिनट का. एंड जो आज शूट होगा वो थोड़ा सा मराठी टाइप लुक है और तो मैं वो पहनूंगी. सो हियर आई हैव कलेक्टेड ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज़ अ साड़ी जो मैं पहनूंगी एंड दीज आर दुपट्टास जो मैं एज अ बैकग्राउंड उनको यूज़ करूँगी एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी. सो फॉर द मराठी लुक माई सिस्टर विल हेल्प मी मजबूत. तो ये मेरा पूरा मेकअप करेगी और माई मेकअप इज डन और नाउ इट्स टाइम फॉर साड़ी. तो मैं बता दूँ इसको भी नहीं पता कि कैसे पहनाई जाती है और मैंने इसको बोला था कि ट्यूटोरियल देख लेना लेकिन उसने देखी नहीं है. सुरभि दीदी तो प्रो है. तू देख पहले यार तेरे को आता भी है कुछ भी यार. कुछ नहीं आता जाऊँ. अच्छा नहीं यार चलो फाइनली शी इज ट्राइंग. मम्मी और पकड़ी मारेंगी कि मम्मी की साड़ी उठा लेगी. मम्मी कहेंगी अच्छी खासी मैंने धो के आयरन करके फिर रखा उसको और तुम मुझे तुम्हें लगा गए. सर्चिंग का ट्यूटोरियल तो आगे देख लिया तो दीदी ट्राई कर लेगी. दीदी कर लेगी ना. हाँ अब कर लेगी क्योंकि अब उसका प्रो लेवल वाला जो लेवल है ना वो डाल जाएगी ना. हो जाएगी
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वो मैदान छोड़ के चली गई है, वो बोल रही है मेरे से नहीं हो रहा और दिखाती हूँ रुको ये क्या है यार, ये दीदी कुछ तो कर देती यार, देखना समझ नहीं आ रही क्या करूं मैं, नहीं आ रही है मुझे, कुछ तो कर दे बहन बचाना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो टूट जाए, इधर उधर हो जाए, तो फिर गाइस प्लीज मैं कैमरा एक जगह प्लेस करूंगी तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, प्लीज प्लीज गाइस एडजस्ट कर लेना, बंदर ले जाएंगे तो फिर मुझे वापस मिलेगा नहीं, मेरी बहन मुझे दिलाएगी नहीं ना प्लीज, और मैं अब अपना बैकग्राउंड क्रिएट करने कर रही हूँ और प्लीज थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेना, बंदर बहुत ज्यादा है, वो ही एडजस्ट करेंगे, हाँ मैं एडजस्ट करूंगी, आप बस देखना ना इधर ऐसे ऐसे बस ठीक कर लेना ठीक है, कभी भी साफ दे दूंगी इसका वीडियो पे। तो गाइस जैसे हमने प्लान किया था कि जैसे मैं इस साइड डालू, इस साइड अपना बैकग्राउंड क्रिएट करूंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर वो दूसरी साइड हो रहा है, तो फिर मैं अब वो ट्राई कर रही हूँ, जैसे मराठियन लोग नीचे ट्राई किया था वो नहीं हुआ था, तो फिर कभी कभी प्लान के अकॉर्डिंग चीजें काम नहीं करती हैं, तो फिर कौन सा प्लान पर काम नहीं कर, यही जो अभी बैकग्राउंड क्रिएट हाई थी हाई छोटी है हाई थी, तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल, हां एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं अपना बैकग्राउंड शिफ्ट कर रही हूं, तो दिस इज द लुक, और हवा की वजह से ये थोड़ा इधर-उधर उड़ रहा है, बट एनी हाउ वी हैव टू डू, मेरा परफॉर्मेंस यहीं पे या मैं यहां पे ही रहा, यहाँ से ले नीचे से ले नीचे से, नीचे से ऊपर कैमरा घुमा, वी आर डन विद आवर डे टू, और आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी थी पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करने में, और बंदर भी इधर उधर डर के मारे, बीच में एक शॉट ऐसा भी आ गया था बंदर की वजह से हमको अंदर भागना पड़ा था, और आज हमने 1:25 का कवर कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी तैयार बैठी हुई हूँ एंड विद ऑल माय मेकअप एंड ऑल, और गाइस बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा शूट करने का, और आवाज देख के तो लग ही रहा होगा आपको, और सुन के, हाँ सुन के, तो फिर यार पर फिर भी मेरे को शूट तो करना है, मैं इतना तैयार हुई हूँ, मेरे को इतना टाइम लगा है, तो फिर मैं अभी शूट कर रही हूँ, मेरा क्या बिहाइंड द सीन दिखाने के लिए भी शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग करनी पड़ रही है, उसके लिए भी हमें सेटअप करना पड़ रहा है, मेरा पहला स्टेप यही होगा, हाँ
उनको वो पहले देख चुके होंगे। चल अच्छा है ना, अच्छा किया ना, मेरा शॉट अच्छा आया है। ये मेरा पैर यहाँ जाएगा, इतना तक रहेगा, ठीक है। तो गाइस जो मेरा जो लेटने वाला जो था एक स्टेप था वो फ्लॉप हो गया, वो सेट नहीं हो पा रहा, तो आई एम ट्राइंग के कुछ और हो जाए तो फिर वो अच्छा लगे। तो फिर स्पॉटलाइट क्या कहना है आपको? ये सीन काट देना, मैं बता रही हूँ क्यों रिंग लाइट ले लाइट दे रही है। मैं तो चलो चलो फिर स्टार्ट समथिंग एल्स, ठीक है। Without music. So it's third light और hardly 5 second का shot है जो मैं हम कब से आधे घंटे से लगे हुए हैं, और 5 second का shot है जो मेरे को सिर्फ round ही चाहिए, and we are using third light and we are doing. चल बोलो किसे? तमीज़ बोल तमीज़ से। तू किस में record? सो फाइनली मेरी पूरी डांस की वीडियो शूट हो गई है, जो क्लिप्स ले रहे थे वॉट एवर जो भी शूट होना था, आई हैव डन माई होल वीडियो एंड अब वो एडिटिंग वगैरह होगा। तो फिर गाइज आपको पता लग ही गया होगा कि कितनी मेहनत लगती है कि हम यहाँ से यहाँ शूट करते हैं और शॉर्ट्स वगैरह कट होते हैं सबकी हेल्प की वजह से, और 3 दिन में हमने इस शूट को ख़त्म किया है। एंड इट्स अगर ओवरऑल अगर काउंट करें तो पर डे 3 आवर्स हम शूट करते हैं, तो लाइक इट्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स एक वीडियो को शूट करने में लगता है। एंड इसलिए मेरी जो डांस की वीडियोस होती हैं वो थोड़ी कम आती हैं, क्योंकि शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और अभी फ़िलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। एंड आई रियली होप कि आपको ये BTS अच्छा लगा होगा। सो एंड मेरी डांस की वीडियो ज़रूर देखना। तो फिर एट द एंड यू नो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन। बाय।